एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी 2 बज गए हैं और अभी मैं जाने लगी हूँ किचन में। किचन में मैं जस्ट थी और गर्मी इतनी है ना, और यहाँ पे मैंने फैन इसलिए नहीं ऑन किया क्योंकि अभी जैसे मैं बोल रही हूँ आपसे, अभी ऑफ कर दिया मैंने, तो जब बोलो तो फिर आवाज आती बीच में, इसलिए मैंने बंद कर दिया। और अभी मेरी आई थोड़ा लग रहा है ठीक, और आई ड्रॉप डाल रही हूँ मैं रेगुलर, और ठीक होने ही वाला जल्दी से। और अभी ये देखिए मैं कर रही हूँ चावल साफ, और क्योंकि मैंने रखा है पानी, और बस राइस बनाने हैं और दाल एटलीस्ट बनी है, और साथ में मैंने पकौड़ियाँ बनानी है दही में पकौड़ियाँ डाल के। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और ना एक बात तो और बताना भूल गई, आज ना हम लोग, अभी मैं और भाभी जाने वाले थे मार्केट, जैसे कि आपको लास्ट ब्लॉग से ही बोल रही हूँ, तो कल भी नहीं जा पाए हम लोग, एसी सर्विस करने वाला आ गया, तो आज मैं रेडी हो गई। और भैया बोलते कि गर्मी बहुत है, एक दो दिन कल चले जाएंगे, बारिश हो जाएगी फिर कल चले जाएंगे। तो मैंने कहा कल नहीं, फिर हम परसों ही जाएंगे, क्योंकि थ्रेडिंग वगैरह भी करानी है, पार्लर जाना, तो थर्सडे को कराते नहीं है, ऐसा कुछ होता है, तो इसलिए मैंने सोचा फिर फ्राइडे चलेंगे हम लोग। देखते हैं अब फ्राइडे जा पाएंगे कि नहीं। और ये कड़ा भी मैंने निकाला हुआ है, ये देखिए अच्छा भी लग रहा है, एक निकला हुआ वो भी चेंज करा के लेना है। तो यहाँ पर मैं दही में पकौड़ियाँ डालने लगी हूँ। तो ये छोटी छोटी पकौड़ियाँ आती है जो मार्केट में मिल जाती है इजीली, तो वही इसको मैंने ना गर्म पानी एक बाउल में लिया, थोड़ा सा गर्म पानी किया था, उसमें मैं डिप करके रख रही हूँ, तो ये थोड़ी सी फूल जाएगी। तो अभी मैं साथ में यहाँ पर मिर्ची काटने, तो मैं मिर्ची काट रही हूँ, हरी मिर्च मैं काट रही हूँ बीच में डालने के लिए। तो मैं रायता टाइप बना रही हूँ तो पकौड़ियाँ डालकर। तो यहाँ पर मैंने ना जीरा और थोड़ा सा काली मिर्च है तो उसको मैं थोड़ा सा पीस रही हूँ, तो उसको थोड़ा दरदरा से पीस लेना है। तो ये देखिए कि अब मैं दही में ये सब कुछ डाल रही हूँ, हरी मिर्च, जीरा और ये पकौड़ियाँ, और फिर इसमें इनको अच्छे से मिक्स कर लेना। साथ में इसमें डालना है नमक और थोड़ा सा गर्म मसाला, और बस इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनता है इससे। तो यहाँ पर मैं अपने ध्यान में लगी हुई हूँ, और ये है ना यहाँ पर चावल का जो पानी है वो उबल के आ गया नीचे, मुझे पता भी नहीं चला, फिर बाद में पता चला। तो अभी इवनिंग का टाइम है और इस टाइम मैं खाना बनाने लगी, तो यहाँ पर अरबी मैं बना रही हूँ। तो अरबियों के ऊपर ये देखिए मैंने अरबी छील लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया था कुकर में एक विसल लगा के, और अभी इसके ऊपर नमक डाल रही हूँ, इनको डीप फ्राई करना है। तो ये देखिए इसको मैं अभी कढ़ाई में डीप फ्राई कर रही हूँ, ये ऑयल हो चुका है गर्म, तो इनको मैं फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा इनका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा तब तक मैंने इनको फ्राई करना है। और अभी जैसे मैं खाना बनाने लगती हूँ तो साइड में बहुत सारा सामान होता है, उस टाइम मैं उठाती नहीं हूँ, मतलब वो बाद में जब कंप्लीट हो जाता है तब मैं क्लीनिंग बाद में करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा गंदा लगता है बीच में कुछ कोई बोलते हैं तो। तो जब भी मैं किचन में बनाती हूँ कुछ तो एक साथ तो मतलब बर्तन हो ही जाते हैं, उस टाइम सामने ऐसे लग रहा होगा, किसी किसी को लगता है, अब सबके घर में ऐसे ही होते हैं जब खाना बनाओ तो। तो अभी इस टाइम यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिए लॉन्ग शेप में, और ये मैंने इसलिए कट किया है, यहाँ पर मैं पकौड़े बनाने लगी हूँ, क्योंकि जब मैं ये फ्राई कर रही थी तो उस टाइम मेरे हस्बैंड की डिमांड आ गई थी पकोड़े बनाने की, तो पकोड़े बनाने लगी मैं, साइड में पकोड़े भी बन जाएंगे, मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ, क्योंकि फ्राई कर रही हूँ, ऑयल गर्म होगा तो उसमें पकोड़े भी बन जाएंगे और रिद्वान को भी अच्छे लगते हैं। तो इस टाइम इवनिंग का टाइम है तो सोचा मैंने बना लेती हूँ। तो भी यहाँ पर ये लॉन्ग शेप में मैंने प्याज कट किए हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन, और बेसन डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी नमक, अजवाइन, तो और अच्छे से मिक्स कर दूंगी फिर।
तो इसमें मैं डालने जा रही हूँ जीरा। ये जो जीरा है इसमें थोड़ा सा मतलब गरम मसाले वाला जीरा है, तो इसमें थोड़े से काली मिर्च भी है तो वो इसमें ऐड है। नमक डाल रही हूँ और गरम मसाला थोड़ा सा और हल्दी पाउडर और यहाँ पर हरी मिर्च भी मैं कट कर रही हूँ, बीच में मिक्स कर दूँगी और साथ में फिर पानी डालूँगी इसमें। तो ये देखिए पानी डाल के फिर इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी, मतलब अच्छी तरह मिक्स हो जाए, बेसन एकदम घुल जाए बीच में। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पर अरबी भी डीप फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको निकाल रही हूँ और फिर साथ में पकोड़े भी मैं निकाल लूँगी। तो अभी इसी ऑयल में यहाँ पे मैंने अरबी निकाल ली है, तो इसी ऑयल में ये गर्म है ऑयल, तो मैंने सोचा चलो पकोड़े भी निकाल लो, तो इसलिए मैं पकोड़े भी निकाल रही हूँ साथ में। प्याज के पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर मैं पकोड़े बना रही हूँ, साइड में मैं यहाँ पर अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पैन मैंने रख दिया, पैन में यही वाला ऑयल थोड़ा सा ले लिया था मैंने कड़छी से, और उसमें मैंने डाला है जीरा, और जीरा थोड़ा सा मैंने मेथी के जो पत्ते होते हैं वो डाले थे, सूखे रखे हुए हैं वो डाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये ग्राइंड किया हुआ प्याज और हरी मिर्च ये डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च का जो मैंने ग्राइंड करके डाला था चॉप करके फ्रूट प्रोसेसर में, वो हो चुका है, भून चुका है थोड़ा सा, गोल्डन ब्राउन कलर में हो चुका है। तो मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया टमाटर सॉस। आप टमाटर भी डाल सकते हैं, टमाटर की प्यूरी, बट मैंने अभी यहाँ पर टमाटर नहीं है तो सॉस डाला है। तो उसके बाद मैंने इसमें अरबी डाल दी और अच्छे से मिक्स कर दिया। और लास्ट में एकदम लास्ट में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, और आमचूर पाउडर डाल के एकदम मिक्स कर देना है, तो बहुत ही टेस्टी बनती है इस वे से। मैंने भी ये सेकंड टाइम बनाई है तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। रितवान रितवान ये देखो रेन रेन आ गई, रेन दिखाओ मम्मा को, रेन सबको दिखाओ, रेन उधर भी आ दिखाओ, तो उधर हवा शब्द गिर जाओगे नॉटी बॉय रितवान इज अ नॉटी बॉय। दिखाओ रेन कैसी आ रही है, देखे हम रेन, ये यहाँ ये आ रही है रेन। छोड़ दो मैं देखने दो, आप क्या करती हो, इधर से देखना, ये देखिए रेन 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 कौवा कुछ नहीं होती। तो यहाँ पर ये हमारे नेवर्स की उनकी बेटी है कायरा, काजू बोलते हैं इसको, तो ये आई है इसके साथ खेलने, तो ये छोटी है वैसे, तो ये दोनों खेल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, बीच बीच में इनकी लड़ाई भी हो रही है, तो इन दोनों को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। और ये अभी पांडा चला रहे हैं, और फिर ये यहाँ पे देखिए सामान कैसे फेंका है,
इधर उधर फेंक दिया सभी सामान, तो बाद में मुझे ही पूरा ठीक करना पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग बस यही एंड करती हूँ मैं, और होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्रेस कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।